दोस्तों, HSN कोड को ढूंढने के लिए अभी तक आपको परेशान होना पड़ता था। आप गूगल पर इधर उधर HSN कोड को फाइंड करते थे और वह HSN कोड सही है या गलत, इसका भी आपको हमेशा कन्फ्यूज़न रहता था। पर अब GST डिपार्टमेंट ने GST पोर्टल पर ही HSN कोड फाइंड करने के लिए ऑप्शन दे दिया है, जिससे आप कुछ ही सेकेंड्स में बहुत ही आसानी से करेक्ट HSN कोड ढूंढ लेंगे। I welcome you all to my YouTube channel Business Field. Myself Advocate Jishan, moving towards video. दोस्तों, सबसे पहले आपको GST के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका URL होता है gst.gov.in। इसके बाद आपको जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको देखिए राइट हैंड पर यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यूजर नेम में आपको अपना यूजर नेम फिल कर देना है और इसी के बाद यहाँ पे आपको अपने GST का पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड फिल कर देना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं, हाँ, आप GST पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। इसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज पर जाना है। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है यूजर सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने यहाँ पे सर्च HSN कोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाता है, इसमें लिखा हुआ है सर्च HSN चैप्टर बाय नेम और कोड। यहाँ पर आप HSN सर्च करने के लिए उस प्रोडक्ट का नाम भी डाल सकते हैं या उस प्रोडक्ट का कोड भी डाल सकते हैं, तो उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। सबसे पहले देखिए अभी आप यहाँ पे हम चेक करने के लिए, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ शू, शू मतलब जूता। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे शू टाइप किया, देखिए आपके सामने बहुत सारे HSN यहाँ पे आपको शो होने लगे हैं। अब आपको इसमें से जो सा भी आपके लिए सूटेबल हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे सपोज के लिए मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया है, अब मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करा है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा इसके बारे में डिटेल दिखने लगता है, चैप्टर हेड दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, HSN कोड दिख रहा है, बकायदा आपके सामने ये पूरा HSN कोड शो हो रहा है, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ आप जैसे और भी यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे केमिकल को सर्च किया तो देखिए केमिकल से रिलेटेड भी बहुत सारे HSN आपके सामने यहाँ पे दिखने लगे हैं। देखिए जैसे अगर मैंने यहाँ पे सपोज करिए ये पहला वाला चूज करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पूरा इसकी डिटेल यहाँ पे शो होने लगी है, चैप्टर हेड, डिस्क्रिप्शन, 4 डिजिट HSN कोड, 6 डिजिट HSN कोड इसका नॉट अप्लीकेबल है, इसी तरीके से 8 डिजिट HSN कोड। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट का बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड्स में HSN कोड फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।